हेलो नमस्ते, जय माता की। कैसे हैं आप लोग? मैं शीला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हम चलना यहाँ सेवई बनाने। सेवई बनाने के लिए हम चीनी ले ली है, यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ले लिए हैं, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। गरी को काट लिए हैं, किशमिश ले लिए हैं, बादाम को काट लिए हैं। यहाँ पर सेवई हम रख लिए हैं और सेवई हम डालने के लिए दूध ले लिए हैं हम यहाँ पर। तो हमारे वीडियो में बने रहिए। यहाँ पर हम गैस पर कढ़ाई रख दिए हैं, कढ़ाई हमारा गर्म हो गया है। अब इसमें हम रिफाइंड डाल देते हैं। रिफाइंड हमारा अच्छी तरीके से गर्म हो गया है, इसमें हम सेवई डाल देते हैं और इसको खूब चला लेंगे हम। इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए हम पूरा भूनेंगे, सुनहरा गोल्डन होने तक भूनेंगे हम इसको। तो यकीन मानिए हमारा सेवई बहुत ही स्वादिष्ट सेवई बनके रेडी हो जाएगा। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का कोशिश करेंगे। तो हमारे वीडियो में बने रहिए, हमारा वीडियो पूरा अंत तक देखिए। तो इसको हम अच्छी तरीके से भून लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो हमारा सेवई सुनहरा गोल्डन भुना गया है, ये देख लीजिए। अब इसको हम गैस को बंद कर देते हैं। कढ़ाई को उतार कर हम गैस पर दूध रख दिए हैं गर्म करने के लिए। दूध को अच्छी तरीके से हम खौलाएंगे। हमारा दूध अच्छी तरीके से गर्म हो रहा है। अब इसको हम खूब खौलाते हुए चलाएंगे इस तरीके से। दूध को हमको अच्छी तरीके से खूब पकाना है। जितना अच्छी तरीके से दूध हमारा पकेगा उतना ही हमारी सेवई में टेस्ट होगा। तो हमको इस तरीके से चलाते हुए इसको खौलाना अच्छी तरीके से। हमारी दूध में अच्छी तरीके से उबाल आना चालू हो गया है। गैस को हम कम कर देते हैं, इसको अच्छी तरीके से हम चलाते रहेंगे। दूध हमारा अच्छी तरीके से पक गया है। अब इसमें हम सेवई जो भून के रखे हैं उसको डाल देते हैं। अब इसको हमको अच्छी तरीके से पकाना है सेवई को। हमारा सेवई इसी तरीके से गाढ़ा होना चालू हो गया है। अब इसमें हम जो ड्राई फ्रूट काट के रखे हैं उसको डाल देते हैं। इसको हम चला लेते हैं। यहाँ पर हम केसर और इलायची का पाउडर लिए हैं, इसको इसमें हम डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छा कलर भी आएगा। ये देख लीजिए हमारे सेवई का कलर चेंज हो गया है। इसको हमको अच्छी तरीके से चलाना है। अब इसमें हम चीनी ऐड कर देते हैं। चीनी आप अपने मीठे के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हम चला लेते हैं। इसमें चीनी डालने के बाद हम थोड़ा देर पका लेंगे ढक करके, फिर दिखाते हैं आपको। तो अब सेवई को हम खोलकर चेक कर लेते हैं। वाव, तो हमारे सेवई से बहुत अच्छा खुशबू आना चालू हो गया है। जो इसमें हम केसर और इलायची का जो पाउडर डाले हैं उससे हमारा सेवई में बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है। तो हमारा सेवई अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब गैस को हम बंद कर देते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो हमारा कलरफुल सेवई बन के रेडी हो गया है, ये देख लीजिए। बहुत ही प्यारा कलर आया है हमारे सेवई में। जो हम इलायची और केसर का जो पाउडर डाले थे उससे बहुत अच्छा कलर
और बहुत ही खुशबू आ रहा है इसमें से। तो हमारा सेवई का रेसिपी कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।